हाई फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करियर कुल द एजुकेशनल गुरु कुल सो वी आर अ फर्म विच ट्राइज टू टेल यू की दुनिया में कितने तरह के करियर्स हो सकते हैं और उन करियर्स में पहुँचने के लिए आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए सो वी डू अ पर्सनैलिटी टेस्ट एन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड एन इंटरेस्ट टेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी ट्राई टू टेल यू की दीज अदा करियर्स जिसमें आप नेचुरली फिट बैठ रहे हैं एंड दी जदा करियर जिसमें हो सकता है बिहेवियर लेवल पर मार्केट की डिमांड की वजह से स्किल लेवल पर आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जैसे कि कैट का रिजल्ट आ गया है एंड वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो जिसमें हमने 85 फाइव टू नाइनटी परसेंटाइल में जो बच्चे जिनका स्कोर आया है वो कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे उसका इन डेप्थ हमने रिसर्च करके वीडियो बनाया था जिसमें आपको काफी डिटेल्स मिल जाएंगी आज हम लोग रिव्यू करेंगे नाइन्टी टू इस वाले वीडियो में हम लोग आई को रिव्यू नहीं करेंगे जो उस रेंज में आ रहे हैं जो बेबी आई उस रेंज में आ रहे हैं बट हम आई के अलावा जो कॉलेजेस उस रेंज में आ रहे हैं उसमें से सात कॉलेजेस रिव्यू करेंगे उनका डेटा मैंने लिख लिया है अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा एंड देन हम लोग उनको वेबसाइट से भी टैली करेंगे एंड हम ये देखेंगे कि करेंटली कोविड के बाद जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं कौन सी इंडस्ट्रीज़ कौन से कॉलेज में ज्यादा आके ले रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो उनकी वेबसाइट पे भी है सो कम लेट्स हैव अ लुक तो अब आपकी स्क्रीन पे पूरा डेटा भी आ जाएगा एंड आई जस्ट मेक द वीडियो लिटिल स्मॉलर एंड देन यू कैन सी द डेटा इट सेल्फ हेर इट सेल्फ ओके सो वील स्टार्ट फ्रॉम हियर सो दिस वीडियो इज अबाउट नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंटाइल जो आ रहा है उनके लिए है इसमें हम रैंक uh, के बारे में बात करेंगे हम लोग मीडियम सैलरी और परसेंटेज प्लेसमेंट कितना परसेंट प्लेसमेंट हो रहा है बिकॉज बच्चे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं और हम भी जब स्टूडेंट थे और अभी भी आप बात करिए तो जॉब में हम प्लेसमेंट या जो सैलरी है वो जरूर देखना चाहेंगे सो माई नेम इज सागर आनंद आई हैव डन माई एम एस फ्रॉम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रिस्डन जर्मनी एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग कैरियर काउंसलिंग फॉर द लास्ट फोर ईयर आई एम अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर डीज आर आज सर्विसेज़ जो आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं एंड इफ यू वांट टू अस फॉर एनी ऑफ द सर्विसेज़ हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो कुछ डेटा हमने यहाँ लिख दिया है हम इसको पहले देखेंगे और मैं आपको ध्यान से देखिएगा ये जो फैकल्टी वाला डेटा है ये जो फैकल्टी वाला डेटा इसे देखिएगा आप जो रैंकिंग्स हैं जितनी भी रैंकिंग्स है हमने या तो एन से ली है या हमने डेटा नैक से लिया यू में यहाँ पे नहीं है या फिर पब्लिक डोमेन्स में से डेटा लिया गया है और उन पे एनालिसिस करी गई है और इन जो नंबर्स हैं इनको आप एब्सोल्यूट कुछ मत लीजिए दीज आर जस्ट टू कंपेयर ईच अदर ठीक है ये बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर आप इस पे भी इन नंबर्स को बहुत ध्यान से लेते हैं और आप पूरी रिजेक्ट कर देते हैं रैंकिंग तो आप नहीं समझ पाएंगे एक कंपैरेटिव एनालिसिस कॉलेजेस की और दूसरी चीज़ जो ये फैकल्टी की रैंकिंग है ये झूठ नहीं बोला जा सकता इन पर हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये स्कोपस में उनके कितने पेपर्स हैं कितने साइटेशन हैं उनके कितने साल का एक्सपीरियंस है कितना इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों पे डाउट नहीं किया जा सकता अगर आपको इस पर भी डाउट हो रहा है तो आई थिंक सो ये से, ये जो डाउट है ये थोड़ा सा डाउट ज़्यादा है तो फैकल्टी सॉरी फैकल्टी के हिसाब से जो हाइएस्ट फैकल्टी को मिला है मार्क्स वो है सेवनटीन पॉइंट एट सिक्स ठीक है ये मैं हाइएस्ट इसलिए बता रहा हूँ सो यू गेट एन आइडिया कि नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव में जब मैं आ रहा हूँ तो मेरे फैकल्टी को हाइस्ट से कितने रिलेटिवली मार्क्स मिल रहे हैं जो लोएस्ट फैकल्टी के पूरे सेवेंटी फाइव जो कॉलेजेस हैं उनमें जो लोएस्ट है वो एलेवन पॉइंट नाइन फाइव है या वेरीफाई भी कर सकते हैं और अगर हमने डेटा में कुछ हमने अपने तरफ से पूरा एक्यूरेट डेटा लिया है हो सकता है प्रिसाइज ना हो थोड़ा ऊपर नीचे हो बट यू विल गेट अ कंप्लीट आइडिया दिस इज समथिंग विच आई कैन प्रोमिस दैट यू विल गेट अ कंप्लीट आइडिया ये जो राइट right साइड में है ये हाईस्ट ट्वेंटी सेवन ये रिसर्च का है और लोएस्ट रिसर्च का थ्री पॉइंट वन सेवन है सो so, आइए हम लोग नाइन्टी और नाइन्टी फाइव के बीच में जो कॉलेज उनको देख लें एम डी आई गुड़गांव टेंथ रैंक पे है ठीक है एम डी आई गुड़गांव कई लोग जब एम डी आई गुड़गांव उन्हें मिलता है तो उन्हें कई और एक दो आई एम से भी कॉल आया होता है आई एम शिलोंग से भी आया होता है और ये जो कॉलेजेस हैं थोड़ा लोअर एंड आई और एमडीआई इनमें उन्हें चूज करना पड़ता है इनकी फैकल्टी 17.0 है और ये 17.83 से बस आप देख ही रहे बस जहां आई ख़त्म हो रहे हैं वहां ये शुरू हो रहा है नेटी का रैंक ट्वेल्व पर है और इसका जो फैकल्टी को मार्क्स मिले हैं वो 16.86 है सो दिस इज़ नॉट वेरी फार एक मार्क का डिफरेंस फिर भी ठीक ठाक होता है बट दिस इज़ ओके दिस इज़ ओके आप इसे मान सकते हैं कि इसकी फैकल्टीज काफी अच्छी हैं क्योंकि आप इसे रिसर्च में भी इसका देखेंगे तो हाईएस्ट ट्वेंटी सेवन पॉइंट वन है हाईएस्ट रिसर्च ट्वेंटी सेवन पॉइंट वन है और ये रिसर्च में ट्वेंटी सेवन पॉइंट वन पे ही है तो निटी की मतलब रिसर्च भी काफी अच्छी है और रिसर्च में ट्वेंटी 22, .57, 22 .57 जो है अच्छा ये ट्वेंटी टू का है तो ये रिसर्च से इससे भी ऊपर आ रहा है अब अगर आप ग्रेट लेक्स जो कि 23 रैंक पे आता है अभी हम वेबसाइट का डेटा इस पर मैं लिखूंगा आपके सामने ही एंड विल कंपेयर क्योंकि ये कोविड के बाद का डेटा है कोविड के बाद में कई ले ऑफ्स हुए मैं आई लीव यू विद क्वेश्चन ऑन दिस कि कई ले ऑफ्स कोविड के बाद हुए हैं या कोविड के दौरान हुए हैं हायरिंग भी कोविड के दौरान हाईली हुई है तो या तो ये हुआ है कि जो ले ऑफ्स हुए वो अलग तरह के कॉलेजेस से हुए हैं और इन कॉलेज से जो हायर्ड लोग थे उनके ले ऑफ्स नहीं हुए ये हो सकता है या फिर ले हर इंडस्ट्री से हुए हैं और वो स्पेसिफिकली किसी एक एरिया में हुए हैं और हम लोग यहां पे एरिया भी देखेंगे कि कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा डिटेल्ड वीडियो अराउंड ट्वेंटी फाइव मिनट्स का ये हो जाएगा ग्रेट लेक्स ट्वेंटी थ्री पे है और ग्रेट लेक्स का सेवनटीन पॉइंट वन फाइव जो है वो इनका फैकल्टी का है सो दैट इज क्वाइट गुड ये काफ़ी अच्छा हो जाता है आइए हम थोड़ा सा इसमें इनकी सा, वेबसाइट से भी इनका प्लेसमेंट्स भी आ, देख लिया जाए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ मैं पेन ले लेता हूँ और हम इसे ले लेते हैं ब्लैक कलर में तो एम का अगर हम डेटा लेते हैं उनकी वेबसाइट से तो वेबसाइट में वो कह रहे हैं कि पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इनका एवरेज परसेंटाइल ऑफ ओवरऑल सिलेक्शन है कॉल का नहीं हम लोग यहां पे ले रहे हैं 90 टू नाइन्टी कॉल के लिए ठीक है ये कॉल के लिए है कि कॉल आपको आ जाएगा इन कॉलेज से मोस्ट प्रोबेबली कॉल आ जाएगा लेकिन जो इनका एवरेज सिलेक्शन वाला जो परसेंटाइल है उन बच्चों का जो स्टूडेंट्स वहाँ ऑलरेडी पढ़ है वो 98.7 है तो 90 अब इसके बीच में आई में लोग गए होंगे इसके ऊपर <coughs> क्योंकि ये एवरेज है तो इसका मतलब ये है कि इसके नीचे भी स्टूडेंट्स हैं तो जिनका 95 के करीब आया है या 94 भी आया है उन्हें अप्लाई तो करना ही है और उन्हें अप्लाई करके फिर देखना है कि क्या होता है जी वगैरह जो इनका एडमिशन प्रोसेस है एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम डिफरेंटली बात करेंगे सेपरेट वीडियो में और इसमें जो सबसे ज्यादा प्लेसमेंट इस बार हुए हैं वो स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशन और आप ये समझ सकते हैं क्यों स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशन में हुए हैं क्योंकि कोविड टाइम में बिजनेस करने के तरीके का ही पूरा का पूरा जो मॉडल है वो चेंज हो गया तो स्ट्रैटेजी ही चेंज हो गई जिस स्ट्रैटेजी में आपको अच्छे कॉलेजेस में से स्ट्रैटेजी में से कई लोग मिल जाएंगे जो इस साल उनके बहुत हाइएस्ट बहुत हाई पैकेजेस लगे हैं और दूसरा इनका ऑपरेशंस में से काफी अच्छा प्लेसमेंट हुआ है और इनका हाईएस्ट जो रहा है वो फोर्टी लैक्स के करीब रहा है फोर्टी लैक्स पर एन के करीब रहा है तो आप देखिए मीडियन जो बीच वाले बच्चे को मिला है जो फिफ्टी बीच वाला जो बच्चा था <coughs> उसको जो मिला है और जो हाईएस्ट वाले को मिला है उसमें ट्वेंटी लैक्स मतलब वो भी हाफ है तो दिस इज़ अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन ये काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है ये आ, अच्छा कॉलेज आ ही जाता है ये सबको पता ही है एमडीआई गुड़गांव बढ़िया कॉलेज है इनका जो डेटा और वेबसाइट्स पे अवेलेबल है एन आई नैक या पब्लिक डोमेन्स में जो कि ट्वेंटी <coughs> का ही है एन आई का तो थ्री स्टूडेंट्स थे और इनको रिसर्च में ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मिले हैं जो काफी ठीक ठाक अच्छा है आ, निटी की अगर हम बात करें जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो मैकेनिकल इंजीनियर्स काफी जाते हैं इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काफी काम करता है तो इसमें से जो इंडस्ट्रीज आई हैं जो लेके गई हैं वो है ई e कॉमर्स तो आपको टारगेट करना है अगर आप ई e कॉमर्स वाले किसी स्टूडेंट या फिर किसी और एम्प्लॉय से बात कर सकते हैं जो ई e कॉमर्स में काम कर रहा है तो आप अगर समझ सकते हैं वहां कौन से क्या काम होता है किस तरह से काम होता है तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सो दैट यू नो कि आपको किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है दूसरा जो हुआ है जो हिट नहीं करी थी इंडस्ट्री वो है एफ एम और रिटेल एफ और रिटेल क्योंकि कोविड में जो एसेंशियल आइटम्स थे वो तो चल ही रहे थे और फास्ट मूविंग गुड्स का भी हो रहा था रिटेल का भी हो रहा था ई e कॉमर्स का हो रहा था तो इन इनकी वेबसाइट पे इस बार का जो प्लेसमेंट्स हुआ है इन दो डोमेन्स में सबसे ज्यादा हुआ है और इनका ओवरऑल जो एवरेज आया है ओवरऑल जो एवरेज आया है दैट इज अराउंड ट्वेंटी पॉइंट एट एट लैक्स पर एन एम ट्वेंटी पॉइंट एट एट बट केवल अगर हम इन दोनों इंडस्ट्री uh, का देखें तो जो इनका एवरेज है वो ट्वेंटी सिक्स लैक्स पर सो नियरली सिक्स का जंप है दैट का जंप है अगर आप ओवरऑल बात करें और आप केवल इन सेक्टर्स की बात करें मतलब ये सेक्टर्स तो ग्रो कर रहे हैं और इनके यहां जो एनआईआरएफ का ट्वेंटी ट्वेंटी का डेटा है दैट इज एट मीडियन ये फिफ्टी परसेंट बच्चे हैं। तो हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट है जिनमें से फिफ्टी परसेंट बच्चों को या फिफ्टी परसेंट सॉरी स्टूडेंट्स को या तो <coughs> 19.5 मिला है या 19.5 के ऊपर मिला है ठीक है और रिसर्च इनके वहाँ बहुत अच्छी हो रही है तो फैकल्टी को भी अच्छे मार्क्स मिले हैं तो ओवरऑल काफी अच्छा है और ट्वेल्थ रैंक पे भी आ रहा है <coughs> अब ग्रेट लेक्स पे आते हैं ग्रेट लेक्स पे हम पेन का जरा सा कलर चेंज कर लिया जाए इधर कि थोड़ा और समझ में आ जाए ग्रेट uh, लेक्स में जो दो ऑपरेशंस और डेटा एनालिटिक्स इनमें सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट हुआ है ऑपरेशंस और डेटा एनालिटिक्स तो आप ऑपरेशंस दो बार देख सकते हैं कि दो कॉलेजेस में ऐसा है कि ऑपरेशंस ज़्यादा आया है और हमारा प्रडिक्शन भी है और हमने भी जिन इंडस्ट्री वाले वर्क इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से बात करी तो उनका कहना यही था कि ऑपरेशन्स में इस वक्त कि डे टू डे काम कैसा होगा प्रोसेस कैसे होंगे टाइम की एफिशिएंसी डिलीवरी की एफिशिएंसी प्रोक्योरमेंट की एफिशिएंसी इवन इन्वेंट्री कंट्रोल ये सब पे काफ़ी काम हो रहा है तो इस वजह से यहाँ पे इसका ये रिफ्लेक्ट करना कि इनमें प्लेसमेंट अच्छे हुए हैं दिस इज नॉट वेरी सरप्राइजिंग प्लस इसमें एनालिटिक्स क्योंकि जैसे जैसे आप बैंगलोर के पास जाएंगे तो आपको दिखेगा आई कंपनीज या एनालिटिक्स ये काफ़ी ज़्यादा प्लेसमेंट ले रहे हैं और इनके व फिर इसके बाद है जो सेक्टर्स हैं वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस सिक्योरिटी इंश्योरेंस और सेल्स सेल्स ये काफ़ी अच्छा आया है और इनका एवरेज जो है वो 10.4 पॉइंट लैक्स पर एनम है और इनका हाईएस्ट जो है वो 21.5 वन पॉइंट लैक्स पर एनम है और ये इनकी वेबसाइट के थ्रू और पोस्ट कोविड इनका डेटा है और अगर आप इसमें सॉरी मैं ये वाला लेना चाह रहा था हाईलाइटर तो अगर हम इसमें देखें इनका 2020 का एन का डेटा <coughs> तो इनको नाइन पॉइंट फाइव मिले हैं दो इनको रिसर्च में 7.51 पॉइंट फाइव वन मिले हैं। तो उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं हो सकता है करंट ईयर में रिसर्च ना हुई हो क्योंकि इनके जो आ, फैकल्टीज हैं उनको तो काफी अच्छे मार्क्स मिले हैं उनका ओवरऑल परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट भी नाइन्टी <coughs> थ्री है जो काफी हाई है तो मैं उन स्टूडेंट से कहूंगा जो स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि नहीं मुझे आई तो मिलना ही नहीं है उन्होंने ये सोचा हुआ है कि बहुत अच्छा आई तो नहीं मिलना है और वो लोग सोच रहे हैं कि यार एम डी में शायद हो जाए शायद एस जैन में हो जाए लेकिन उसके बाद अगर वो ग्रेट लेक्स को छोड़ दे रहे हैं तो मैं कहूँगा ग्रेट लेक्स को ना छोड़िए अगर आप साउथ से हैं तो, तो बिल्कुल ही मत छोड़िए नॉर्थ से हैं तो भी मत छोड़िए क्योंकि ग्रेट लेक्स के अगर आप साइड पे जाएंगे और आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि बच्चे कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं तो ओवरऑल पूरे जगह से पढ़ते हैं हर जगह से बच्चे आते हैं ऐसा नहीं है कि केवल साउथ ऑफ़ इंडियन सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के ही स्टूडेंट्स हैं तो ग्रेट लेक्स को कंसिडरेशन में रखना चाहिए क्योंकि इनका हाइस्ट ट्वेंटी जा रहा है और इनके वहाँ ऑपरेशन और एनालिटिक्स भी आ रहा है तो अगर आप बी किए हुए हैं बी किए हुए हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है प्लीज लुक इन दिस इसे नज़रअंदाज मत करिएगा क्योंकि इसे नज़रअंदाज करने की टेंडेंसी मैंने देखी है काफ़ी स्टूडेंट्स में <coughs> आई एम आई डेली जो है वो यहां पे मैं की बात करूंगा आई एम आई तीन जगह है डेली में भी है कोलकाता में भी और भुवनेश्वर में भी है ठीक है जो इसका डेटा है आ, पब्लिक डोमेन्स में इसमें नाइन्टी से ट्वेल्व पॉइंट फाइव का मीडियन है मतलब फिफ्टी परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको या तो वन लाख पर एन का मिला है या उससे ज्यादा मिला है ठीक है फैकल्टीज को इनका फिफ्टीन मिला है तो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो 15 थोड़ा सा मार्क्स कम हो रहे हैं बट आप याद रखिएगा ये बहुत जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी जो फैकल्टी वो आई से भी पढ़ी हुई है <coughs> इनकी फैकल्टी जो है लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी है और यूएस के भी अच्छे कॉलेज से पड़ी और रिसर्च में देखिए इनको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले दो अगर आप कंपेयर करोगे नेटी से तो नीचे आ जाता है बट दिस इज़ गुड इनफ आई आई का प्लेसमेंट देख लेते हैं जो इस साल इनका वेबसाइट्स पे है <laughs> तो एवरेज इनका जो दे रहे हैं वो थर्टीन लैक्स पर एन दे रहे हैं विच इज़ स्लाइटली हायर देन द डेटा हियर एंड बिकॉज दिस इज द मीडियम दिस इज़ द एवरेज एंड जो इनका फिर टॉप टेन परसेंट का एवरेज है ये अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक के इस पर स्पेसिफाई करना चाहूँगा इस चीज़ को ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास जो हम समझ सकते हैं और इसको हम येलो से कर लें क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप आई में जा रहे हो क्योंकि कई लोग फिर से आईएमआई को भी नजरअंदाज कर सकते हैं जब कर देते हैं जबकि आप देख रहे होगे कि 97 परसेंट जो है प्लेसमेंट है इनका लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आप इसमें देखिए कि टॉप 10 परसेंट जो बच्चे हैं अगर आप पढ़ने में अच्छे रहे रहोगे वहां जाके इफ यू स्टडी वेल बट आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर नॉट लाइक हु ऑलरेडी हैव लाइक मे बी अ सैलरी ऑफ सिक्स सेवन लैक्स एट लैक्स और वो यहां जाते हैं और वो अच्छा पढ़ते हैं टॉप टेन परसेंटाइल में आते हैं टॉप टेन परसेंटाइल में आते थ्री ट्वेंटी बच्चे हैं मतलब टॉप थर्टी स्टूडेंट्स में अगर वो आते हैं तो एट्टीन लैक्स का भी कर सकते हैं प्लेसमेंट ठीक है तो सिक्स लैक्स से तीन गुना आपकी सैलरी होगी एटीन लैक्स हो जाएगी विच इज अ गुड एम तो क्योंकि बहुत बच्चे मैंने देखा है इसे भी नजरअंदाज कभी कभी करते हैं जबकि ट्वेंटी एट्थ रैंक पे है तो ये भी एक किया जा सकता है मैं स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिनके दिमाग में ये है कि हम इसे नजरअंदाज कर देंगे Uh, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आईएमटी पे आईएमटी काफ़ी अच्छा कॉलेज है 93% परसेंट इनका प्लेसमेंट है और 11 लैक्स का इनका मीडियम सैलरी है दैट मींस 50% परसेंट बच्चे जो कि सात सौ बच्चे हैं तो मतलब साढ़े तीन सौ स्टूडेंट्स साढ़े तीन सौ स्टूडेंट्स या तो ग्यारह लाख या ग्यारह लाख के ऊपर लेके आए हैं अपनी प्लेसमेंट <laughs> फैकल्टीज को 13.61 मिला है इन रीसेंट ईयर्स आईएमटी ने अपनी फैकल्टीज पे और ज्यादा काम किया है एंड दे आर एस्पायरिंग बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ लोकेशन आई से स्टेट इन वे एंड बिकॉज ऑपरचुनिटीज इन एंटरप्रीनरशिप इज लेस दैट्स वाई इनका थोड़ा सा आपको कम दिख रहा है बट इन्होंने अपनी फैकल्टी से बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है इलेवन लैक्स इज नॉट अ वेरी बैड मीडियम सैलरी इट इज़ अ गुड मीडियम सैलरी फैकल्टी थर्टीन पे है और इनकी रिसर्च ट्वेल्व के करीब करीब आ जाती है तो आप कंपेयर कर सकते हैं लोएस्ट जो है थर्थ थ्री पे भी जाती है तो दिस इज गुड इस, <coughs> इस पर हम लोग एक और चीज़ इंपॉर्टेंट में हाईलाइट करूँगा वो ये है कि ये रैंकिंग में बी एच यू आई एम काशीपुर और आई एम नागपुर के आसपास लाई करता है तो इसे बहुत ज़्यादा आप लाइटली ना लें और ना इसे बहुत ज़्यादा आप आ, आ, बढ़ा के लें इसे इसकी फेस वैल्यू पे लीजिए जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं इनकी फेस वैल्यू पे लीजिए <coughs> और ये काफी अच्छा आपके लिए टर्न आउट हो सकता है इफ यू प्लान इट वेल ठीक है तो अब हम लोग आते हैं इसके बाद फिर इसी में आईएम आईएमटी गाजियाबाद में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है कि इनका हाईएस्ट अब मैं बता रहा था जो आपको कि क्यों ये लेना चाहिए इनका हाईएस्ट 58 लाख है 58 लाख पर एनम है जो कि कंपैरेटिवली यहाँ के जो कॉलेजेस अभी हम जिस रेंज में बात कर रहे हैं काफ़ी ऊपर है एवरेज <coughs> इनका वेबसाइट के हिसाब से थर्टीन पॉइंट सिक्स है और मीडियन इनका ट्वेल्व लैक्स है इस साल का कोविड वाले के बाद और एन आई आर एफ ट्वेंटी ट्वेंटी में जो लेटेस्ट रिपोर्ट सबमिट हुई है उसमें इनका इलेवन लैक्स है तो मैं काफ़ी रिकमेंड करूंगा इस कॉलेज को जो स्टूडेंट ध्यान से दें अपनी शॉर्टलिस्टिंग में इसको रखें और बाद में फिर ट्राई करें और इसमें सबसे ज़्यादा जो हुए हैं इनके वहाँ कहा गया आई में जो हुए हैं थर्टी परसेंट आई में हुआ है थर्टी परसेंट आई टी कंपनीज आई थी तो ये बहुत एक अच्छा है जिन्होंने बी किया है अगर यूपी से भी किया है यूपी के कॉलेज से और वो नाइन्टी नाइन्टी फाइव परसेंट आई ले आ रहे हैं तो बी एच यू आई एम काशीपुर आई एम नागपुर आई एम टी गाजियाबाद दीज आर गुड कॉलेज टू टेक आई वुड रियली रिकमेंड देम टू टू यू टू टेक लोग चाहे जो बोले आई वुड रिकमेंड देम टू टेक फॉर यू टू टेक देम तो गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आ जाते हैं जो फोर्टी एट्थ नंबर पे थोड़ा सा प्लेसमेंट इसका यहाँ पे सेवेंटी परसेंट है इनकी रिपोर्ट के हिसाब से नाइन पॉइंट फाइव है फैकल्टी को फिफ्टीन पॉइंट एट सीट्स मिला है रिसर्च बहुत ज़्यादा नहीं है और गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में तकरीबन जो है मीडियन इनके इनकी वेबसाइट के हिसाब से इस साल सेवनटीन इलेवन पॉइंट सेवन टू गया है दैट हैज़ इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट टू लैक्स तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है एक बार में और एक फिर से टॉप ट्वेंटी परसेंटाइल अगर आप टॉप ट्वेंटी में आ जाते हो तो आपकी जो सैलरी है वो ट्वेंटी पॉइंट टू सेवन आ जाती है ये सब ये सारी बातें कि टॉप के बच्चों को अट्ठारह बीस लाख मिल रहा है और आई में मीडियम जो मिडिल के बच्चे उनको भी उतना ही मिल रहा है ये आपको मोटिवेट करना चाहिए जो लोग 93, 95, 94, 92 इस परसेंटाइल में कि अगर आप अब भी जाके वहाँ और मेहनत कर लेते हैं और टॉप में आ जाते हैं तो आप आई वाली मीडियम सैलरी ले लेंगे दैट इज़ वेरी गुड एक्चुअली दैट इज़ वेरी गुड वे ऑफ थिंकिंग आई वुड से तो अगर आप ऐसे सोचते हो तो सही रहेगा इनका भी जो प्लेसमेंट हुआ है वो एफ एम सी जी एफ एम सी जी बैंकिंग फाइनेंस सिक्योरिटीज़ एंड इंश्योरेंस एंड आई में हुआ है और एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो टी में आई थी उसमें भी यही बोला गया था कि एफएमसीजी जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ ग्रो कर रही है लास्ट हम लोग ले रहे हैं के जे सोमैया ये फिफ्टी सिक्स रैंक पे आता है ये सब रैंक्स लिखी हुई हैं यहाँ पर आप लोग डेटा चेक कर सकते हैं ये रैंक्स लिखी हैं दिस इज या तो ये स्टूडेंट्स है या फिर ये परसेंटेज प्लेसमेंट है ये मीडियन सैलरी है ये फैकल्टी है फैकल्टी है फैकल्टी है और ये रिसर्च है और जो यहां पर है ये वेबसाइट से आया हुआ डेटा है या फिर हमने स्टूडेंट से जो बात करी है ये वो डेटा है लास्ट uh, आ जाते केजे सोमैया पे तो इनके वहां जो टॉप हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं टोटल स्टूडेंट इनके यहां फोर या नियरली फाइव हंड्रेड और टॉप ट्वेंटी फाइव परसेंट बच्चों को जो मिली है सैलरी वो थर्टीन पॉइंट टू फाइव मिली है इनका जो लास्ट रिपोर्टेड मीडियम सैलरी है गवर्नमेंट को वो नाइन है इस साल इन्होंने थर्टीन पॉइंट टू फाइव रिपोर्ट करी बहुत अच्छा है तो अब अगर टॉप ट्वेंटी फाइव मतलब आप टॉप हंड्रेड स्टूडेंट्स में भी आ जाते हो तो फिर ये आपकी मिडिल मतलब टॉप पचास बच्चे को ये मिलेगी और इससे ज़्यादा मिलेगी और थोड़ों को इससे कम मिलेगी आठ नौ दस लाख के करीब मिलेगी तो ये मेरे हिसाब से के जे सोमैया अच्छी चीज़ है लेने के लिए और के जे सोमैया में जो है आप अगर मुंबई जाके रहते हो और वहाँ पे आप काम करते हो अगर आपको बैंकिंग फाइनेंस वगैरह में काम करना है तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है ठीक है तो हम लोग करियर पाथ्स के बारे में वर्क प्रोफाइल्स के बारे में कंपनीज़ के बारे में पर्सनैलिटी एनालिसिस एंड कॉलेज़ के बारे में बात करते हैं So this was our review of the non-IIM colleges in the CAT range of 90 to 95 with all the data. If you have any doubts, you can leave us a message on YouTube. If you want to book a session, you can WhatsApp us on the number that is given in the description below. This is Sagar Anand, your career counselor. Thank you for watching.